दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे TVS रेडियोन का। लगभग 700 किलोमीटर मैंने ये चला ली है, मैंने और समर जी ने। तो आज हम दोनों का जो अनुभव है इस बाइक को लेकर के, वो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। चलो, तो समर जी, हाँ जी, तो पहले तो हम बता देते हैं अपने ऑडियंस को कि हम कहाँ पर हैं। हम लगभग, आप लोकल हैं यहाँ पे? बिल्कुल। कहाँ पर हैं हम आज? हमें अलवर डिस्ट्रिक्ट के सकट गाँव के अंदर है। अच्छा, और ये सरिस्का पड़ता है? हाँ, सरिस्का अलवर में ही पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो मेरी बाइक है TVS रेडियोन, ये लगभग 800 किलोमीटर मैं इससे चला चुका हूँ। तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसके बारे में कि 800 किलोमीटर चलाने के बाद ये बाइक का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। देखिए, पूरा ओवरव्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कलर इसका ब्लू बहुत अच्छा है। क्रोम इसका मुझे बहुत पसंद आया था, 21 में हमने बाद में फिट करवा ली। नंबर प्लेट भी आ गई है 8005 RG। देखिए दोस्तों, और ये सामने नज़ारा भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हम अभी सरिस्का के जंगलों में हैं। ये टिपिकल यहाँ पर शेर वगैरह टाइगर्स भी होते ही हैं। यहाँ पे देखो, तो बहुत ही सुंदर है। और ये हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने भी आए, और साथ में रिव्यू वीडियो भी बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर से कि ये गाड़ी कितने चल चुकी है। देखिए, ये लगभग 800 किलोमीटर, यहाँ आपको 787, लगभग 800 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो इसका अनुभव मुझे चलाने में काफ़ी बेहतर रहा। इसकी सीट बड़ी अच्छी कंफर्टेबल है, तो जिसमें दो या तीन लोग भी हम अच्छे से चला सकते हैं। समर जी हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, मंदिर में पूजा करके आ चुके हैं। तो समर जी, आपने लगभग हमारी अब 800 किलोमीटर चलने वाली, आधी आपने चलाई, आधी मैंने चलाई, तो अनुभव सिर्फ चलाने का आप मुझे बताओ कि चलाने में जो मज़ा आता है वो हमारे गेस्ट जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है इसको चलाने में, बहुत अच्छी गाड़ी चलती है, अदर बाइकों से बहुत बेस्ट बाइक है। तो दोस्तों, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को चलाने का, वो सबसे अच्छा रहा कि जैसे इसकी साउंड अच्छी है, सीट बड़ी अच्छी सी है, बड़ी है, मोटी है, स्पंजी है, तो चलाने में दिक्कत नहीं आती है। और साथ में मुझे ब्लू कलर तो पसंद आए, बट कलर का जो फिनिशिंग है, शाइनिंग है, वो भी बहुत अच्छी मुझे लगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका क्रोम वर्क है, ये मुझे बहुत पसंद आया, देख सकते हैं आप। और जो इसका साइलेंसर है, ये भी पूरा ही क्रोम में है, तो ये भी बहुत अच्छा है। हर जगह 3D प्रिंटिंग करी गई है, ये भी बहुत बढ़िया है। सामने भी देखो, 3D में आपको ये दिखेगा, ये वाला, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो चलाने का एक्सपीरियंस में हमको ये काफ़ी कंफर्टेबल लगी, और मैं और समर जी, हम दो लोग आराम से इस बाइक को चला लेते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभी बिट्टू को भी बैठ के चलाते हैं तो ट्रिपल भी हो जाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो समर जी, जैसे दो लोग जब बैठ के चलते हैं और जब थोड़ा पिकअप लेना होता है, थोड़ी स्पीड चाहिए होती है, उस समय बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, दब के चलती है, खींच के लेती है गाड़ी, ऐसी बात। हाँ, मतलब हमें तेज बढ़ानी हो तो उसमें टाइम नहीं लगता आगे बढ़ने में। चल। और जैसे ओवरटेक भी करना हो हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो कम रुपए में मजा भरपूर है, सस्ती है, टिकाऊ है, मजबूत भी है, और कम रुपए में आपको रॉयल इनफील्ड जैसा मजा आपको दे देता है। तो ये तो हमारा एक शॉर्ट एंड स्वीट आपका, आपके लिए रिव्यू था। तो आपको अपने पैसे अगर कहीं लगाने तो थोड़े कम पैसे में मज़ा भरपूर मिले और शानदार लुक भी मिल जाए, तो वो इस गाड़ी में है।